रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुनीता ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डोरंडा कॉलेज। आज का टॉपिक है मेंडलिज्म। यह यूजी बॉट ऑनर्स सेमिस्टर 2 के सिलेबस के अंतर्गत है। मैं आज इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करूँगी। कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बिकॉज ही फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइम। मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्ग थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पर किया। उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देकर जेनेटिक्स फील्ड का प्लेटफॉर्म तैयार किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बार बार फैक्टर्स टर्म को यूज़ किया। उन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल में फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स आर पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बेटसन ने इस फैक्टर को जीन कहा। मेंडल एक्सपेरिमेंट वॉज पब्लिश्ड इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न इन 1866। टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस वॉज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लगभग 34 साल तक उनके एक्सपेरिमेंट को बहुत नोटिस नहीं किया गया ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशंस। बट इन 1900 3 बॉटनिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क इंडिपेंडेंटली और वे थे ह्यूजो डी ब्राइस, कार्ल कैरेंस एंड एरिक बोन। मेंडल्स ने पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया बिकॉज पी प्लांट इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को प्योर लाइन प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि प्योर लाइन प्लांट का जीनोटाइप प्योर होता है विदाउट मिक्सिंग। जैसे टॉल प्लांट प्रोड्यूस ऑलवेज टॉल ऑफस्प्रिंग ही करेगा और ड्राफ्ट प्लांट जो है हमेशा ड्राफ्ट प्रोजिनी ही देगा। दूसरा पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, अतः वह हमेशा अपने प्योर लाइन पे ही रहता है, यानी उसका जीनोटाइप जो है वो प्योर होता है। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रेट्स का टर्म का यूज़ बहुत बार किया। व्हाट इज ट्रेट्स? ट्रेट इज अ इनहेरिटेड यूनिट कैरेक्टर्स विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ईच ट्रेट हैज टू फॉर्म्स, एग्जाम्पल फॉर हाइट टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस। टॉल को कैपिटल टी एंड ड्राफ्ट को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर। इस स्लाइड में मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया वह दिखलाया गया है। मेंडल्स ने 2 पी प्लांट लिया जिसका एक फ्लावर का कलर पर्पल है और दूसरे का वाइट। फिर उन्होंने दोनों को क्रॉस कराया। कैसे क्रॉस कराया? ही रिमूव स्टेमेन ऑफ पर्पल फ्लावर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन एंड देन प्रोटेक्टेड पर्पल फ्लावर बाय पेपर बैगिंग। देन ही पुटेड एंथर्स ऑफ वाइट फ्लावर इन पर्पल फ्लावर। After fertilization, progeny of first generation was all purple flower because purple color is dominant over white color. In this picture, Mendel used 7 traits for his experiment. These were height, seed colors, flower position, seed shape, pod color, flower color. क्योंकि ये सभी ट्रेट्स जो है वो इनहेरिटेड होते हैं पी प्लांट में और मेंडल ने इसे आसानी से अपने एक्सपेरिमेंट में दिखलाया। अबव ऑल यूनिक कैरेक्टर्स हैव टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स और कंट्रास्टिंग फॉर्म्स। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना? व्हाई मेंडल चूजन पी प्लांट्स? बिकॉज पी प्लांट है विग्रस ग्रोथ, दे आर सेल्फ फर्टिलाइज प्लांट, ईजी टू क्रॉस फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ईच जनरेशन। पी प्लांट्स आर एनुअल प्लांट्स, सो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसे प्लांट को चुना जो जिसका लाइफ साइकिल केवल एक ईयर का हो, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पर्पल फ्लावर पी प्लांट को वाइट फ्लावर पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया, येलो सीड वाले पी प्लांट को ग्रीन पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया, राउंड सीड वाले पी प्लांट को रिंकल सीड से वाले पी प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस कराया और लॉन्ग
स्टेम वाले पी प्लांट को शॉर्ट स्टेम वाले पी प्लांट के साथ क्रॉस करवाया और अपना रिजल्ट दिया। अब हम टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे टर्म्स को यूज़ किया है, जिसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजिनी कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी ही वह कैरेक्टर है जिसके चलते हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। वेरिएशंस, डिफरेंस अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अब क्या है कि एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से दिखने में अलग होते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस। जीन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जोहानसन। जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ डीएनए इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जीन्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पोजिशन ऑन क्रोमोजोम्स कॉल्ड लोसाई, और ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ट्रेट्स और कैरेक्टर्स विच इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ जीन इज कॉल्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो बहुत सारे ट्रेट्स हैं वो मेंडेलियन रूल का फॉलो नहीं करते हैं, तो जो ट्रेट्स मेंडेलियन रूल्स को फॉलो करते हैं उसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहा जाता है। और ये जो होता है इंट्रैक्शंस ऑफ जीन्स, और इंट्रैक्शंस ऑफ जीन जो है उसमें हमें दो तरह के एलील्स मिलते हैं। एलील्स, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील्स, इट इज प्रेजेंट इन पेयर सो ऑल्सो कॉल्ड एलीमॉर्फिक पेयर। एग्जाम्पल, फॉर यूनिट कैरेक्टर हाइट टू टाइप्स ऑफ एलील्स आर फाउंड, डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स। डोमिनेंट एलील्स, डोमिनेंट एलील्स जो हर हाल में अपने को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जब टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा टॉल पी प्लांट मिलता है। डोमिनेंट एलील्स रिसेसिव एलील्स के कैरेक्टर को हाइड कर देता है। डोमिनेंट एलील्स हमेशा कैपिटल लेटर से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैपिटल TT फॉर टॉलनेस। रिसेसिव एलील्स, जब टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में टॉल पी प्लांट मिलता है और ड्वार्फनेस कैरेक्टर जो है वह सप्रेस्ड हो जाता है इन F1 जनरेशन में। इसको रिसेसिव एलील्स कहते हैं। रिसेसिव एलील्स को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टू स्मॉल लेटर ऑफ T रिप्रेजेंट ड्वार्फनेस। जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे प्योर टॉल प्लांट के लिए जीनोटाइप कैपिटल TT होगा, उसी तरह प्योर ड्वार्फ प्लांट के लिए जीनोटाइप स्मॉल TT होगा। जीनोटाइप में हम दो तरह के कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप, द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स एंड अदर इज एनवायरमेंट। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन अ कंडीशन इन विच अ पेयर ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल और सिमिलर, जैसे फॉर स्मूथ सीड कोट कैपिटल SS इज रिप्रेजेंट, फॉर रिंकल सीड कोट स्मॉल SS रिप्रेजेंट। हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब जीनोटाइप्स में जीन का पेयर एक दूसरे से अलग होता है या डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डोमिनेंट एलील्स में कैपिटल T एंड स्मॉल T या कैपिटल S और एंड स्मॉल S। हेमीजाइगस कंडीशंस, हेमी मींस हाफ, जब जीनोटाइप में केवल वन सेट ऑफ जीन रहता है
तो उस कंडीशंस को हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं, जैसे जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम्स इन मेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन। जब दो प्योर जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल क्रॉस करते हैं तो हाइब्रिड जीनोटाइप वाला प्रोजिनी मिलता है और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें हमें मिक्स्ड जीनोटाइप मिलता है, नॉट प्योर जीनोटाइप, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्लाइड में हाउ टू मेक पन्नेट स्क्वायर बताया गया है। पन्नेट वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने अपने स्क्वायर में मेंडल्स के रिजल्ट्स को फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने पेरेंट्स वन के गैमिट्स को ग्रिड के टॉप में रखा है और पेरेंट्स टू के गैमिट्स को ग्रिड के लेफ्ट साइड में रखा है। फिर उन्होंने दोनों के कॉम्बिनेशंस को बॉक्स में प्रेजेंट किया है जीन पेयर के रूप में। अगर जीन पेयर में एक भी कैपिटल लेटर वाला जीन रहा तो डोमिनेंट, वह डोमिनेंट कैरेक्टर्स का होगा, जैसे कैपिटल वाई वाई या कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अगर जीन पेयर में स्मॉल लेटर्स का दोनों जीन पेयर रहा तो वह रिसेसिव कैरेक्टर्स का होगा, जैसे स्मॉल वाई वाई। मोनोहाइब्रिड, जब एक कैरेक्टर्स या वन ट्रेट्स को हम यूज़ करते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड कहलाता है और उसमें वन पेयर ऑफ एलील्स उसमें वन पेयर ऑफ एलील्स वर्क करता है। जैसे मोनोहाइब्रिड में टॉल पी प्लांट को अगर हम क्रॉस कराते हैं ड्रॉप पी प्लांट के साथ तो इसमें यूनिट कैरेक्टर जो वो केवल हाइट होगा। उसी तरह डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम टू ट्रेट्स को यूज़ करते हैं और उसमें टू पेयर्स ऑफ एलील्स आर एक्टिंग। एग्जाम्पल, येलो राउंड सीड क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल सीड्स ऑफ पी प्लांट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच हैव ओनली वन ट्रेट एंड दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जैसे अगर हम राउंड सीड्स वाले पी प्लांट को रिंकल सीड्स वाले पी प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमें दोनों तरह वन एक टाइप के जीनो हाइब्रिड वाले मिलते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। बाकी हमें प्योर जीनोटाइप वाले प्योर राउंड एंड प्योर रिंकल प्लांट मिलता है। जब दो प्योर ऑपोजिट जीनोटाइप वाले पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं तो उसे पी जनरेशंस कहते हैं। टॉल पी प्लांट्स का जीनोटाइप कैपिटल टी टी है एवं ड्वार्फ पी प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी टी है, जो दोनों वे दोनों पेरेंट्स हैं। दोनों पेरेंट्स ने अपना अपना एक एक गैमिट्स दिया है जिसे कैपिटल टी एवं स्मॉल टी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एफ वन जनरेशन, जब ये दोनों गैमिट्स फर्टिलाइज्ड होते हैं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलता है जिसे एफ वन जनरेशन या फिलियल वन जनरेशन कहते हैं। फिलियल मीन्स सन्स। एफ वन जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप एवं फिनोटाइप एक ही रहता है, यानी जो डोमिनेंट्स कैरेक्टर हैं वही रिप्रेजेंट होते हैं। एफ टू जनरेशन, इसको फिलियल जनरेशन टू भी कहते हैं। जब एक एफ वन प्रोजिनी को दूसरे एफ वन प्रोजिनी के साथ क्रॉस करवाते हैं तो एफ टू जनरेशन के इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स अपना अपना डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स को दिखलाते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस, मीनिंग क्रॉसिंग में एक बार डोमिनेंट कैरेक्टर्स को फादर और रिसेसिव कैरेक्टर्स को मदर बनाते हैं और दूसरे क्रॉस में डोमिनेंट कैरेक्टर्स को मदर एवं रिसेसिव कैरेक्टर्स को फादर बनाते हैं। और इस हम देखते हैं कि रिजल्ट्स रिमेन सेम, इसी को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस, जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन को किसी भी एक पेरेंट्स आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिस्कशन करूंगी। थैंक यू।